आप लोग मेरे को देख पा रहे हो, मेरे को सुन पा रहे हो ना प्रॉपरली? चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं जो पेपर अभी कंडक्ट हुआ था उसके डाउट्स के रिगार्डिंग, ठीक है? जस्ट फ्यू सेकंड्स। तो इसके जो मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डाउट लूंगा, जिनमें कि अधिकतर बच्चों को डाउट प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बस उन्हीं को लेके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अनवांटेड डिस्कशन हम नहीं करेंगे, तो देख लेते हैं बेटा, डाउट ले लेते हैं हम, ठीक है? आप अपने जो भी क्यूरियसिटी है पूछते जाइए। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेटा यहाँ पे मॉर्टेलिटी से पॉपुलेशन कम होता है, इमिग्रेशन से कम होता है, प्रीडेशन से कम होता है, देन आवर आंसर विल बी नेटेलिटी। यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? नेटेलिटी आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? अब आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। द वायरस कंटेन द फॉलोइंग जीनोम, कैप्सिड, कैप्सूल एंड एंजाइम्स, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पहले भी पुरानी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इसका जो आंसर आएगा, दैट आंसर शुड बी, इसका आंसर आएगा बेटा थर्ड। देखिए वायरस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जीनोम प्रेजेंट होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा आपको? कैप्सूल एप्सूल नहीं प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, तो 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या है जरा देखिए बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 103 को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो बेटा रिलीवेंट यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात की गई है, तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है कि रिलीवेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है डेट विल बी टेम्परेचर। ये क्या होगा बेटा? टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा बेटा, ठीक है? तो मोस्ट रिलीवेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर है बेटा। ओके क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा ये आपको, ठीक है? अब इसके बाद बेटा हम आगे मूव करते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी, तो मैं उनको यहाँ पे जो चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, तो चैट बॉक्स में बेटा आप अपने जो है डाउट्स जो है बेटा वो पूछ सकते हो, तो उसे अपन देख लेंगे, ठीक है? डिस्कस कर लेंगे उसके रिगार्डिंग। आई थिंक दैट जस्ट अ फ्यू सेकंड। हाँ ऋत्विक अभी लाइव है बेटा, कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ठीक है? बेटा इसमें कोई एनसीईआरटी के आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो बताओ मेरे को, कौन से इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है? और एनसीईआरटी के आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा हमारी पुरानी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है? अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्रोमोसोम्स की आर्म्स के बारे में पूछा था एक बार एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो इस तरह का यदि कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। भाई क्रॉपलैंड इकोसिस्टम इज अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट मेंशन इन द चैप्टर ऑफ इकोसिस्टम। ओके तो क्रॉपलैंड में क्या होता है? क्रॉपलैंड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जिसमें कि आपको लेस बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके आपके जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी मेरे से लाइव अटैच हैं स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट है इंटायर पेपर के अंदर यू कैन आस्क मी, तो मुझसे पूछिए बेटा, मैं उसे पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है तो मेरे को वो क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है? अब जैसे आपको जो है यहाँ पे अधिकतर जो बच्चों को जो डाउट आया, कहाँ कहाँ डाउट आया मुझे ही जहां तक मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर 108 को देखो, क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे कुछ बच्चों ने मेरे को बोला कि डाउट है। अब यहाँ पे क्या डाउट है बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन आपके जो है व्हाट्सएप पे सेंड किया है, आई थिंक डेट, एक मिनट में आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ।
देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 108, ये जीनोटाइप दिया हुआ है ना आपको सामने, बिल्कुल दिख रहा है जीनोटाइप बेटा। क्या दिख रहा है जीनोटाइप? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी कैपिटल डी, कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल ए। स्टूडेंट आप याद कीजिए, मैंने क्लासरूम जब लेक्चर लिया था तो आपको बताया था कि हमको यदि कोई भी यदि क्रॉसिंग एक्स करते हैं, यदि हम किसी तरह का कोई भी क्रॉस करते हैं तो नंबर ऑफ एलील कितने बनेंगे, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा यदि आपको किसी भी एनिमल का जीनोटाइप पता हो तो आप उसके नंबर ऑफ एल जो है गैमिट फाइंड आउट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। सिंपल फार्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला है? 2 की पावर n। ये मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया था। और यहाँ पे n क्या था? n था बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर। अब इस जीनोटाइप के अंदर देखिए हेटरोजाइगस पेयर कौन कितने हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए नंबर 1, कैपिटल बी स्मॉल बी नंबर 2 और कैपिटल ई स्मॉल ई ये नंबर 3। तो 3 क्या हो गए बेटा इसमें, हेटरोजाइगस हो गए। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और फटाफट आंसर निकालिए, हम बजे इजीली इसमें आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन भाई आउट ऑफ एनसीईआरटी 112 नंबर का क्वेश्चन? जस्ट ए फ्यू सेकंड वी डिस्कस। 112 नंबर का क्वेश्चन कहाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्या है बेटा इसमें? यस, तो बेटा देखिए क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट हैव द ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट। चलिए ठीक है, क्या क्या बेटा मुझे बताइए इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर का ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को यहां पे घुमा के पूछा है। क्या पूछा जरा देखिए, ब्रायोफाइट हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट। भाई मुझे बताइए ब्रायोफाइट में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है नहीं होता है? तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता तो वेस्कुलर सिस्टम का कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा, मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंपल सी बात है, पैरेन्काइमा तो ठीक है, कोई भी मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी तो पैरेन्काइमा तो हो गई होगा, देयर नो एनी इश्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है, यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट कैसा होता है, रिड्यूस होता है, डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, वी नो वेल, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, लिग्निफाइड वेस्कुलर टिश्यू, अरे भाई ब्रायोफाइट में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता तो लिग्निफाइड वेस्कुलर टिश्यू कहां से आ जाएगा? ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, नीट वाले आपको ऐसे घुमाएंगे, ये कहां से भाई एनसीईआरटी के बाहर का हो गया। अब आ जाइए बेटा कौन से पेज नंबर जो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का क्वेश्चन। बेटा ये एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको उन्होंने सीधे सीधे एक एग्जाम्पल पूछा है। क्या बोला है बेटा इसमें देखियो, वो बोलते हैं कि मान लो कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है, कोई बायोकेमिकल पाथवे है। ठीक है, अब मुझे बताइए आपने एनसीईआरटी में बायोकेमिकल पाथवे के बारे में पढ़ा है तो उस पर क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएंगे। अब कहाँ पढ़ा है आपने, एक मिनट में बता रहा हूं आपको, जस्ट ए फ्यू सेकंड मैं आपको बताता हूं कहाँ आपने पढ़ा है। हाँ जी देखिए, 12वीं की जो एनसीईआरटी है इसमें आपने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसमें आपने ये पढ़ा है कि कोई जीन अपने कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करता है, उससे रिलेटेड एंजाइम्स की जो है इंटरेक्शन की रिगार्डिंग पढ़ा है आपने। एनसीईआरटी 12वीं पेज नंबर 78 पे आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जरा देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियली देखते बराबर कंफ्यूजन होता है इसमें। जरा देखो, कोई बायोकेमिकल पाथवे है, कैसा बायोकेमिकल पाथवे, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इस बायोकेमिकल पाथवे को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एक मिनट। हाँ जी देखिए, इसका मैंने सोल्यूशन भी आपको भेजा था, मतलब यहां पे पेज नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 113 में क्या बोला है कि उन्होंने सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोई कलरलेस प्रीकसर है 1, एलील ए के वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रीकसर नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया, प्रीकसर नंबर 2 एलील बी से किस में कन्वर्ट हो गया, एक पर्पल पिगमेंट में कन्वर्ट हो गया। ये तो सीधा सीधा आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भाई जो पर्पल पिगमेंट है
उस पर्पल पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए कैपिटल ए का भी होना जरूरी है और कैपिटल बी का भी होना जरूरी है। तो भाई ये पर्पल पिगमेंट डेवलप होगा, अदरवाइज पर्पल पिगमेंट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने नीचे दिया है, वहां पे लिखा हुआ है, इट मींस एलील ए कैपिटल ए एंड एलील कैपिटल बी बोथ आर मस्ट फॉर द पर्पल कलर फॉर्मेशन। चलिए ठीक है, अब वहां पे आगे ये पूछा है, दिया है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस किससे कराया, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी से कराया। तो ये पूछा है कि कितने पर्पल बनेंगे कितने व्हाइट बनेंगे, यही पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर। अब भाई देखिए, पर्पल बनने के लिए क्या जरूरी है कि इस पूरे के पूरे जेनेटिक मेकअप के अंदर कैपिटल ए भी होना चाहिए और कैपिटल बी भी होना चाहिए। जरा देखो बेटा, तो ये आप हम पुनेट स्क्वायर बोर्ड से ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं बेटा क्या देखते हैं, यहां पर हमें देखते हैं जहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों आ रहे हैं वहां पर तो पर्पल होगा, और जहां पर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों नहीं आ रहे वो जो है पर्पल नहीं होगा। तो आप देखिए टोटल आपको कितने प्रोजेनी मिलती है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अपने को कितने मिलते हैं, कितने बने हैं, ये एलील कितने हैं, गैमेट कितने हैं, ठीक है चार है ना, तो चार चुक 16 मिलेंगे अपने को टोटल। और 16 में से अपन क्या देखते हैं कि 12 व्हाइट मिलते हैं, चार पर्पल मिलते हैं, मतलब इसको इन टर्म्स ऑफ रेशो बात करें तो 1:3 का रेशो हो गया, 1 पर्पल और 3 व्हाइट का रेशो हो गया, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, 114, 115, 116, 117 ये डाउट है, चलिए ठीक है देख लेते बेटा, देन नो इन इश्यू। हाँ जी, ठीक है, हाँ ये इसमें क्या डाउट है भाई, यहाँ पे ये पूछा है कि बताया है कि मॉर्गन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो मॉर्गन साहब कैरीड आउट द सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी ऑफ द जीन्स दैट हैव द सेक्स लिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई, लिंक इसका मतलब क्या होता है भाई, क्रोमोसोम जीन्स के साथ साथ रहने की टेंडेंसी और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ जाने की टेंडेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो लिंकेज की वजह से क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी कैरेक्टर मेंडल के लॉ को नहीं फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्या हो दिखाई देगा बेटा आपको, मेंडल के लॉ से डेविएशन दिखाई देगा, ठीक है क्लियर हो गया ना। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा बेटा, मेंडल का जो लॉ है उससे बेटा आपको यहाँ पे जो डेविएशन देखने को मिलेगा, और इस तरह से डेविएशन की बात करें ना, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना भाई, सेकंड वाला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जीन मतलब टाइटली लिंक ये बात भी सही है, बट बेटा यहाँ पर जीन्स ऑफ द येलो बॉडी एंड वाइट आई ट्रेड प्रेजेंट फीमेल ओनली, इट्स नॉट ए करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, एक सौ चौदह का बी क्यों आएगा, बी तो सही है ना, यहाँ पे क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जीन्स ऑफ द बॉडी कलर एंड आई कलर नॉट सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, ये बात तो सही है, और ईच अदर एंड एफ1 रेशियो डेराइव, तो एफ1 रेशियो इससे डेराइव अलग डिफरेंट आएगा क्योंकि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मेंडल का लॉ कब फॉलो होता है, जब लिंकेज नहीं होता, यदि लिंकेज हो गया तो मेंडल का नियम नहीं चलने वाले, मेंडल के जो भी कायदे हैं वो फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा डेट शुड बी फर्स्ट, अब इसके बाद कौन सा डाउट है, 115 में किसी को डाउट है क्या, हेटरोस्पोरी सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, भाई हेटरोस्पोरी मुझे बताइए, हेटरोस्पोरी याद कीजिए अपन ने पढ़ा था, मिनरल न्यूट्रिशन सॉरी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था, इसमें बेटा अपन ने हेटरोस्पोरी के बारे में आई थिंक डेट पढ़ा था, ठीक है। तो हेटरोस्पोरी विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एग्जाम्पल ऑफ द हेटरोस्पोरी, सॉरी हेटरोस्पोरी प्लांट किंगडम, माफ कीजिए प्लांट किंगडम में पढ़ा था, हाँ जी सॉरी प्लांट किंगडम में अपने हेटरोस्पोरी के बारे में पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ब्रायोफाइट तक होमोस्पोरी देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट में अपन आ जाते हैं तो बेटा इसमें अपन देखते हैं टेरिडोफाइट में कि कुछ आपको टेरिडोफाइट होमोस्पोरस टाइप के दिखाई देते हैं,
और कुछ आपको जो है कुछ में आपको हेटरोस्पोरी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये हेटरोस्पोरी आगे जाके जो है सीड हैबिट का के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये क्लियर कट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है बेटा डेट शुड बी 4, मार्सेला, मार्सिलिया, साल्विनिया और सेलेजिनेला, ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। पेज नंबर भी बताऊं क्या बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर 116 सिंपल है बेटा, द एंजाइम दैट जॉइन द डीएनए स्ट्रैंड का, इसमें क्या है बेटा? लाइगेज है बेटा, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये सिंपल है बेटा, कोई इशू नहीं इसमें, तो डी करेक्ट है। अब आ जाते हैं कहां पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 120 को डाउट है ना आप तुमको, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, सेल डिवीजन, काइनेटोकोर, हेल्पिन, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। काइनेटोकोर के बारे में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, क्या करता है बेटा काइनेटोकोर? जब देखिए स्टूडेंट्स, जब सेल डिवीजन होता है, जिस समय बेटा सेल डिवाइड हो रही है, उस समय जो काइनेटोकोर करता क्या है, क्रोमोसोम्स, देखो जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, ये बीच में जो है आप देख रहे हो सेंट्रोमियर, ये ऐसे, तो आप देखते हैं इसके चारों तरफ एक काइनेटोकोर बन जाता है। और जिससे हमारे स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बेटा, इसका 120 वाले का बेटा आंसर आएगा तीसरा, ठीक है। ओके ओके ओके, प्राजक्ता का क्या डाउट है? 198 का आंसर सी होना चाहिए। हाँ प्राजक्ता बेटा, एक मिनट में देखता हूँ, 198 वाला क्वेश्चन ना, हाँ क्या है 198 वाला क्वेश्चन? द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल बी कॉल्ड द डेविएशन फ्रॉम जीन फ्रिक्वेंसी एज प्रडिक्टेड बाय द हर्से हार्डी एंड वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, एक्सेप्ट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉल्ड द डेविएशन फ्रॉम जीन फ्रिक्वेंसी एज प्रडिक्टेड, ठीक है। तो म्यूटेशन की वजह से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है, सिलेक्टिव मीटिंग की वजह से होता है, पर रैंडम मीटिंग की वजह से नहीं होता। 198 का आंसर आएगा 4। सी के से आएगा प्राजक्ता बेटा। हार्डी बीनबर्ग रूल क्या बोलता है? हार्डी बीनबर्ग रूल ये बोलता है कि लार्ज पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन्स जो होती हैं वो रिमेन कांस्टेंट होती हैं। कब तक? जब तक वहां पर म्यूटेशन वर्क नहीं कर रहा हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क नहीं कर रहा हो, या वहां पर जो है सिलेक्टिव मीटिंग नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। ये फैक्टर यदि अब्सेंट हैं तो किसी भी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर की जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी। ये इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी कि कोई भी जीन हमारा रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। ओके चलिए ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हाँ बेटा, अब इसके बाद और कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट बोलिए मेरे को, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन टफ लगा मुझे, थोड़ा सा मुझे लगा कि समझाना जरूरी है। हाँ तो मैं थोड़ा सा, मैंने हालांकि एक्सप्लेनेशन भेजा है उसका, कौन सा क्वेश्चन, आई थिंक डेट क्वेश्चन नंबर कौन सा था, प्लेनेट अमेरिकाना का कौन सा था, यस 196 वाला, इसमें ये पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। अपने को पता है कॉकरोच में प्लूरो मेटाबोलस डेवलपमेंट होता, विनोवेट, हमें ये भी पता है कि मोसेक विजन होता है इसमें, ये बिल्कुल लाइन एज इट इज एनसीईआरटी दी हुई है। फोर्थ भी अपने को लिखा है, समझ में आता है कि बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट इन इंसाइजिंग एंड ग्राइंडिंग रीजन। बेटा इंसाइजिंग मतलब काटने के लिए, ग्राइंडिंग मतलब पीसने के लिए होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही, ठीक है। अब तो बेटा जब अपने को पता है कि तीनों, ये जो तीन बातें बिल्कुल सही हैं, प्लूरो मेटाबोलस है बरोबर हमको समझ में आता, मोज़ेक विजन प्रेजेंट है ये भी हमको समझ में आता, ठीक है, बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट है ये भी अपने को समझ में आता,
फिर इसके बाद ड्यूरोस्टेमेट और एंटेरोसिलोमेटिक क्या होता है समझो बेटा। एनिमल किंगडम बेटा मैंने जब आप पढ़ाया था क्लासरूम में, उस समय मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई सीलोम दो तरह की होती है, ऐसा मैंने बताया था कि सीलोम दो तरह की होती है। अब कौन कौन से दो तरह की सीलोम मैंने डिस्कस किए थे, तो देखिए बेटा मैंने बताया था उस समय कि दो तरह की सीलोम कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सीजोसीलोम और दूसरी होती है बेटा एंट्रोसीलोम। सीजोसीलोम मतलब क्या, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रू सीलोम। बेटा यदि ट्रू सीलोम में अपन क्या देखते हैं, जब ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट हो रहा है तो ट्रू ट्रू सीलोम डायरेक्ट यदि ब्लास्टोमियर से बन गई तो उसको हम बोलेंगे सीजोसीलोम। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रू सीलोम जो होती है डायरेक्ट ब्लास्टोमियर से नहीं बनती, तो फिर कैसे बनती, एलिमेंटिक कैनाल का डेवलपमेंट होता है तो एलिमेंटिक कैनाल के ऊपर की साइड में दो छोटे छोटे एंट्रिक पाउच होते हैं, उनसे सीलोम बनती है कुछ एनिमल्स में, उसे हम बोलते हैं एंट्रोसीलोम। ठीक है, अब सीजोसीलोम कहाँ मिलती है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस कहाँ मिलती है, एंड्रोसीलोम कहाँ मिलती है, गैनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा मिलती है। ठीक है, मतलब ये एंट्रोसीलोम तो हो ही नहीं सकता ना कॉकरोच, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आता है, ये कैसा होगा, सीजोसीलोमेटिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिखाई देगा। अच्छा, प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूटेरोस्टोमेटा क्या होते हैं, ये भी मैंने जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था तब बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि यदि डेवलपमेंट में माउथ पहले बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमेटा, और डेवलपमेंट में यदि एनस पहले बनता है माउथ बाद में बनता है तो उसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमेटा। ठीक है, तो ड्यूटेरोस्टोमेटा कौन कौन है, इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा कोडेटा है, और प्रोटोस्टोमेटा कौन कौन से हैं, एनिलिडा अर्थोपोडा और मोलस्का है। ठीक है, तो इसलिए बेटा इसमें जो आंसर है वो आएगा सेकंड। पर बेटा इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्लियर कट मेंशन है, पता है क्या पता है कि देखो तीन तो हमारे ऑप्शन एनसीईआरटी में से मेंशन है, कौन कौन सा है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, और हम जानते हैं कि तीनों सही है कॉकरोच के रिगार्डिंग, तो नेचुरली ये अपने को पल्ले भी नहीं पड़ रहा और अपना आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक होती है, इस तरह से बेटा अपने को आंसर बनता है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है, ऋत्विक ऋत्विक जल्दी बताओ कौन कौन से क्वेश्चन में और डाउट है, मैं फटाफट उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कुछ बच्चों को देखो कहाँ कहाँ डाउट आए, मैं बता रहा हूँ, देखिए आप पी को भी आता है तो आप बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 175 बेटा, क्वेश्चन नंबर 175 में आंसर ये फोर भी पॉसिबल है और आंसर जो है बेटा ये भी पॉसिबल है, सेकंड भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर जो है फोर और टू बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही हैं। और बच्चों कहाँ डाउट आया मैं बताता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 174 को देखिए बेटा, याद रखना कि हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पाइल्स होती हैं, सॉरी पिल्स होती हैं बेटा, ये क्या क्या काम करती हैं, एक तो बेटा ये क्या करेंगे कि एक तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे, और स्पर्म की जो एंट्री हो रही है किसके अंदर, जो यूटेरस के अंदर क्या होता है कि यूटेरस जो सर्विक्स वाला जो पोर्शन होता है ना, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स क्या करती है, सर्विक्स के माउथ पे जो म्यूकस है उसे थिक कर देती है, थिक करने से क्या होता है कि स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, सर्विक्स में एंटर ही नहीं हो पाता, जब सर्विक्स में एंटर नहीं होंगे तो भाई कहाँ तक जो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे वो। तो इसमें जो है आंसर जो है बेटा क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा 174 वाला। ओके, अब इसके बाद कहाँ डाउट है बच्चों को, आ सकता है, यस यस यस, हाँ 171 वाले क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे पूछा गया है। 171 वाला क्वेश्चन देखो, हाँ ओव्यूलेशन इन अ वोमेन विथ 20 डे मेस्ट्रुअल साइकिल ऑकर, पेरियर मतलब होता है पहले, तो मेस्टुरेशन के 14 दिन पहले, मतलब 14 दिन की लिटियल फेज होती है। ठीक है, तो 14 दिन पहले क्या होगा, मेस्टुरेशन होगा, सॉरी ओव्यूलेशन होगा, इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा, ए आएगा। कुछ बच्चों को इस लास्ट वाले ऑप्शन को देखे कन्फ्यूजन हो रहा है, 14 डे पेरियर टू बिगेनिंग ऑफ सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज जो है बेटा ओव्यूलेशन टाइम से चालू होती है, मतलब बिगेनिंग ऑफ सिक्रेटरी फेज मतलब कि ल्यूटियल फेज के 14वें दिन पहले, उस समय ओव्यूलेशन थोड़ी नहीं होगा, इसका जो आंसर फर्स्ट ही आएगा, कौन से वाले का, 171 का, तो इसमें अननेसेसरी कंफ्यूज में मत पड़िएगा। और कहाँ डाउट है बच्चों को, हो सकता है
ठीक है, ऋत्विक को पता नहीं क्यों 170 में डाउट आ गया। 170 कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, डाउट है तो बेटा इसको अपन डिस्कस करते हैं 170 वाले को, ठीक है। क्या बोला है बेटा 170 वाले में, जरा देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट विद द एज ऑफ द प्यूबर्टी ड्यूरिंग द सिग्निफिकेंट इंक्रीज द सिक्रीशन। भाई मेरे देखो समझो, 170 वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या होता है हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाड्रोपिन बेटा रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ाता है, कौन हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस गोनाड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का नंबर बढ़ाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है FSH और LH का लेवल बढ़ा देती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बूस्ट होना चालू हो जाते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा डेट शुड बी GnRH, ओके। और कहां डाउट हो सकता है बच्चों को, यस 163 मैक्यूला डेंसा, मैंने आपको जो नोट्स दिए थे अपने कॉलेज के नोट्स NCERT बेस्ड, उनमें बेटा क्लियर कट मेंशन है मैक्यूला डेंसा के बारे में, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है आपको, आप देख सकते हो अपने कॉलेज के जो मटेरियल स्टडी मटेरियल है उससे उसको बेटा चेक करके देख लीजिए। और कहाँ डाउट हो सकता है जस्ट ए फ्यू सेकंड्स, कुछ लोगों को डाउट था कहाँ पे, और कहीं डाउट हो सकता है क्या, आई थिंक नहीं बेटा इतने। अच्छा एक वो था साइकस की रूट्स में जो है कौन सा प्रेजेंट होता है, तो नेचुरली BGA होते हैं साइकस की रूट में, साइकस में कोरेराइट्स रूट्स होती हैं उनमें BGA प्रेजेंट होते हैं, और BGA के अंदर मेनली कौन होता है नॉकस्टॉक प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। तो वहां पे जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा नॉकस्टॉक आएगा, ठीक है बेटा। और कोई डाउट है क्या ऋत्विक बेटा, देखो क्वेश्चन आते पूछे NCERT में से जाते हैं पर थोड़ा सा उसको घुमा दिया जाता है ताकि वो कंपटीशन प्रॉपरली डेवलप हो सके, क्योंकि उनको बेटा अच्छे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जिनका डिसीजन टेकिंग पावर अच्छा हो, क्योंकि आप डॉक्टर बन गए आपको सर्जरी करनी है तो आपके अंदर डिसीजन टेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए ना, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है, पूरे जोश के साथ हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता है, और एट अ टाइम ऑफ सॉल्विंग पेपर पूरा कंसंट्रेशन आपका पेपर के ऊपर होना चाहिए और अच्छे मन से पेपर को सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है। 140 वाला क्वेश्चन में क्या डाउट है, अरे यार इन ऑपेरॉन लैक ऑपेरॉन जीन इनकोडेड द रिप्रेसर प्रोटीन इज, कौन सा रिप्रेसर प्रोटीन जो है इनकोड करता है। चलिए ठीक है, मैंने आपको लैक ऑपेरॉन याद करने का तरीका बताया था ना, आईपोसिया याद है ना बेटा, मैंने एक आइडिया बताया था ना कि आईपोसिया वर्ड से जो है बेटा आप लैक ऑपेरॉन को याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया थंब रूल, टोटका बता दिया, तरीका बता दिया, अब देखो बेटा इन लैक ऑपेरॉन द जीन इनकोड द रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन कौन बनाता है, तो आई वाला पोर्शन ही तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा ना। नको यार ऋत्विक, एक मिनट ऋत्विक मैं आपको बताता हूं, देखो जस्ट ए 4 मिनट्स, देखो भाई अपने NCERT में ये डायग्राम दिया हुआ है ना लैक ऑपेरॉन का, देखो भाई ये डायग्राम अपने NCERT का ही इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो देखो क्या पूछा है, देखिए ये है हमारा DNA, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये है DNA, DNA का कौन सा पोर्शन, आई वाला पोर्शन, इसने क्या बनाया, इसने रिप्रेसर mRNA बनाया, रिप्रेसर mRNA क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा ऑपरेटर को जाके दवा देगा उसको रिप्रेस कर देगा,
जिससे ऑपरेटर रुक गया, और ऑपरेटर रुक गया तो क्या होगा, जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक ये ओ यहाँ पे चिपका रहे, सॉरी ये जब तक रिप्रेसर प्रोटीन ओ को दबा के रखेगा, ठीक है। हाँ, फिर जब भी बेटा लेक्टो, जब भी हमें लेक्टोज मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, एक इंड्यूसर आता है, वो इस रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करता है, इससे बाइंड हो जाता है और रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर पर चिपकने नहीं देता है, जिससे कि जेड वाई ए ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं और लेग मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। लेग मैसेंजर आरएनए तीन एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटिलाइज, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आपने यहां पे देखा ना कौन बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, देखो ना रिप्रेसर प्रोटीन कौन बना रहा है, आई बना रहा है ना, आई ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। तो भाई अपना आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन ये है ना, इन लैग ऑपेरॉन विच इनकोड द रिप्रेसर प्रोटीन, कौन इनकोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को, तो भैया इसका आंसर आई आएगा ना। बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेरे पास वीडियो हैं, तो आप मेरे को लिंक भेज दो व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। और यदि सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई डाउट है तो भी पूछो, मैं बताबट एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, कौन सा ऐसा डाउट है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो समझ में नहीं आ रहा है आपको। कौन सा डाउट है ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा, सही बताइए, मैं अभी क्लियर कर देता। ठीक है, या मेरे को जो है आप व्हाट्सएप पे हाय करके एक मैसेज भेज देना, तो मेरे पास आपका जो है वो आ जाएगा व्हाट्सएप एड्रेस, तो मैं आपको जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अपने जो लेक्चर्स की लिंक भेज दूंगा, जहाँ भी आपको डाउट्स है उसको फटाफट देख लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ इनफ, इट्स इनफ, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर, धन्यवाद। हार्डवर्क कीजिए, दिन रात बिल्कुल पढ़ाई कीजिए विदाउट लॉसिंग टाइम, ठीक है।